वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और हम कोशिश करते हैं कि रोज आपके लिए कोई ना कोई ऐसा टॉपिक जरूर लेकर आए जो आपकी अवेयरनेस के लिए, आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल भी हो, ताकि हम रोज अपनी जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रेस के साथ डील करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली स्ट्रेस है, ऑफिस का है, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। इनको मैनेज करना कभी कभी हमें नहीं आता, उसके लिए अगर हम थोड़ी सी काउंसलिंग ले लें तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें हम मैनेज कर सकते हैं। इसी पर डिस्कशन के लिए आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शवाना मुफ्ती ने, उनको हम वेलकम करेंगे। वेलकम टू द शो, कैसी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जबरदस्त। यू लुक गॉर्जियस। ओह थैंक यू, सो डू यू। एक्चुअली आज जो है कश्मीर डे पे आपने बुलाया, और मैंने कहा स्ट्रेस तो हर जगह सड़कों पे है। अभी मैं डेमोंस्ट्रेशंस देख रही थी, इट्स लाइक द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट। और मैं यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में लेक्चर दे रही हूँ, इट्स अ सीरीज ऑफ लेक्चर जो मैं एवरी डे, जिस तरह कल हम लम्स जा रहे हैं, उससे पहले यूसीपी गए थे। तो स्ट्रेस इज अ वेरी कॉमन कंप्लेंट, घरों में भी, मियाँ बीवी, रिलेशनशिप, सब जगह स्ट्रेस है। अच्छा डॉक्टर शवाना, मैं इससे पहले कि आपकी जानिब सवाल भेजूं, मैं चाहूंगी कि मैं इनका एक लेक्चर होने वाला है उसके हवाले से बता दूं। जनाब डॉक्टर शवाना हमारे साथ तो मौजूद होती हैं, लेकिन चूंकि ये इधर आजकल जिस मिशन पर आई हुई है उनमें एक मिशन ये है कि ये अल्हम्रा में 9th February सैटरडे को एक लेक्चर डिलीवर करने वाली हूँ, ये पब्लिक के लिए, हॉल नंबर 3 में होने वाला है। और ये इमोशनल इंटेलिजेंस और रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के लिए ये हमें कुछ स्टेप्स और गाइडलाइंस देंगी वहाँ पर। तो जो लोग इसको अटेंड करना चाहें वो जरूर जाएं अल्हम्रा हॉल नंबर 3 में, 9th February सैटरडे को होने वाला है 2:30 PM, तो आप इसको अटेंड कर सकते हैं। अब डॉक्टर शवाना, हम बाकायदा तौर पर आगाज करेंगे कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम स्ट्रेस और इसकी वजूहात को डिस्कस कर लें, ताकि फिर हम मैनेजमेंट की तरफ। अच्छा देखो, स्ट्रेस अगर देखा जाए तो उसकी कोई भी वजह नहीं हो सकती, और ढेर सारी वजूहात हो सकती हैं। क्योंकि जिसने स्ट्रेस लेना है उसको कोई भी वजह ना हो तो सिर्फ कभी कभी आप छोटी छोटी बातें होती हैं उसको एक्यूमुलेट करके बहुत स्ट्रेसफुल बना लेते हैं। आप घर में गए, घर में आपकी थोड़ी खटपट हो गई, बीवी ने कुछ कह दिया, आप स्ट्रेस लेके बैठ गए। ऑफिस गए, ऑफिस में कुछ कह दिया, सो इससे पैटर्न ऑफ थिंकिंग आपका स्टाइल कैसा हो जाता है, और वो आप नेगेटिव सोचों को एक्यूमुलेट कर करके स्ट्रेस लेते रहते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रेस फैक्टर ओवरऑल हमारे माशरे में है वो तो मनी प्रॉब्लम, इकॉनमी एंड वेल्थ। लोगों ने अपना, हमें चाहिए होता है सर्वाइवल नीड। सर्वाइवल नीड में आता है जी आपको शेल्टर चाहिए, आपको खाने पीने को चाहिए, बेसिक नीड यही है। लेकिन हमने अपना स्टैंडर्ड जो है वो बार हम रोज इंक्रीज कर देते हैं। एक घर ले लिया तो 2 लें, 2 ले लिए तो 4 लें, फिर कंपेरिजन 7 वाला क्या कर रहा है, और उसके बाद एक्सपेक्टेशन। जब आपकी अनमेट एक्सपेक्टेशन होती हैं कि मैंने एक ब्लू प्रिंट बनाया जिंदगी में कि मैंने इस तरह से जिंदगी गुजारनी है, लेकिन जब वो आपको नहीं मिलता तो आप स्ट्रेस ले आते हो अपनी लाइफ में। तो फिर अखराजात आपके कभी कभी लाइफ में बहुत ज्यादा होते हैं और कमाई आपकी कम होती है, तो दैट इज अ वेरी कॉमन कॉज फॉर स्ट्रेस ऑल्सो। सो इकॉनमी और जो रैट रेस लगाई हुई है ना हमने, और कंपेरिजन एक दूसरे से, बच्चे के 96 आए, 7 वाले के 98% आ गए, वो भी स्ट्रेसफुल हो गया। बच्चे को फॉरेन से, वो खुद भी स्ट्रेस लेंगे और बच्चे को भी डाल और देंगे, वो पूरा प्रेशर उस पे डाल देंगे। मुझे लगता है उर्मिला के स्ट्रेस जो है ना, इससे पहले हम थोड़ा सा मेडिकल कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि स्ट्रेस वाकई होता क्या। ब्रेन और माइंड दो डिफरेंट चीजें हैं। ब्रेन एक ऑर्गन है जो अल्लाह मियां ने हमारे दिमाग जो अंदर डाला, स्कल के अंदर, और माइंड हमारा डिफरेंट होता है उससे। तो स्ट्रेस को समझने के लिए थोड़ी सी बेसिक मेडिकल साइंस को समझ लें तो आपको हेल्प हो जाएगी थोड़ा उसको मैनेज करने में। अब जो ब्रेन होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक जो फ्रंटल पार्ट होता है जिससे आपको सोचने समझने की सलाहियत मिलती है, और एक पिछला पार्ट होता है जिसको प्रिमिटिव ऑर्गन जो होता है, प्रिमिटिव ब्रेन कहते हैं। वहाँ पे जो होते हैं लिम्बिक सिस्टम होता है। जब भी कोई स्ट्रेसफुल चीज़ आपके साथ होती है, जिस तरह आप सोच लो आप मूवी देखने जाते हो, मूवी आपको हॉरर मूवी या आपका एकदम कोई सीन ऐसा आता है आपको स्ट्रेस हो जाता है। स्टूडेंट्स को जो है एग्जाम देना है, स्ट्रेस हो जाता है। आप इंटरव्यू पे जाते हो तो बाहर बैठे होते हो तो स्ट्रेस हो जाता है। आपको पता है मैंने बॉस को जाके ये जवाब देना है, आंसर देना है, तो आपको स्ट्रेस हो जाता है। कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन जब आपकी जिंदगी में आती है तो जो आपका पिछला प्रिमिटिव ब्रेन होता है वहां से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, सिग्नल्स आते हैं, सिग्नल जाते हैं ग्लैंड्स को, ग्लैंड जो है हॉर्मोन रिलीज करते हैं जिसे कहते हैं स्ट्रेस हॉर्मोन्स। स्ट्रेस हॉर्मोन्स कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, नेफ्रिन ये हॉर्मोन्स होते हैं। और जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा होता है तो जो आपका सोचने समझने वाली सलाहियत वाली ब्रेन होता है वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, तो वहाँ से जो आपने सलाहियत होती है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग के साथ रिस्पॉन्ड कर सको बेहतर, वहाँ पे ब्लड सप्लाई इतना नहीं जा रहा होता। तो ये थोड़ी सी मेडिकल साइंटिफिक सेंस अगर आपको हो तो आप उसको मैनेज भी बेहतर कर सकते हो कि अब जो है मेरे अंदर ये स्टिमुलस आया है स्ट्रेस का और मैंने इसको अब मैनेज कैसे करना है।
अब ये है कि जब आपको स्ट्रेस का कोई भी, जिस तरह मैंने सिचुएशन बताई, तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है. फाइट ये होता है जब हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं कि या तो आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, आपको लगा जी कहीं बॉम्ब थ्रेट है, एकदम स्ट्रेस हो गया, सारे लोग एंग्शियस हो गए, या फिर वहां से फ्लाइट कर जाते हो, भाग जाते हो. तो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स इज एज जब भी कोई स्ट्रेसफुल चीज हो तो उसके रिस्पॉन्स में आता है. अब जब आपको पता चल गया कि ये सारी सूरतेलात और मेडिकल जो है आपके हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं स्ट्रेस के, तो आपने करना क्या है, उसको मैनेज कैसे करना है? मैनेज ये करना है जी कि आप सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और खास आप भी सांस ले रहे हो, मैं भी सांस ले रही हूँ, सो वी आर ऑल ब्रीदिंग इन द रूम, लेकिन ये एक स्पेशल ब्रीदिंग है जिसमें आपने नाक से सांस लेना है. मेरे साथ लो लंबा सांस, मुंह बंद करके नाक से लंबा, जितना भी डीप ब्रीदिंग कैसे है, ठीक है, और फिर उसको रोक के रखना है अपने लंग्स के अंदर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको मुंह से उसको खारिज करना. क्योंकि ये योगा में भी नॉर्मली ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं. ये जो ब्रीदिंग है, डीप ब्रीदिंग, इससे मसल्स भी रिलैक्स होते हैं और लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऑक्सीजन ब्रेन को मिलती है, और पांच से छह दफा आपने ये ब्रीदिंग करनी है. दिस काइंड ऑफ ब्रीदिंग वुड हेल्प यू टू रिलीज दोस जो आपके हॉर्मोन्स हो रहे हैं, फाइट एंड फ्लाइट, जो मैंने पूरा रिस्पॉन्स समझाया, उससे आपका ब्लड सप्लाई ब्रेन और सोचने वाली जगह जो होती है ना, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उधर ज्यादा जाएगा. You can think and respond better. Breathing exercise. उसके बाद दूसरी जो होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है एक्सरसाइज जो आप वर्कआउट करते हो. वर्कआउट जो है साइंटिफिकली हैज प्रूवन कि आपके स्ट्रेस को मैनेज करता है लॉन्ग टर्म. हफ्ते में अगर आप 3 से 4 दिन नहीं कर सकते, 3 दिन कर लो, किसी किस्म की एक्सरसाइज आप वॉक कर सकते हो, ब्रिस्क वॉक कर सकते हो, जॉग कर सकते हो, योगा कर सकते हो. कुछ लोग जो होते हैं उनको हैवी, जिस आदमी होते हैं, जब तक वो हैवी वेट्स के साथ स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज या रनिंग नहीं करते, उनका स्टेट ऑफ माइंड बदलता नहीं. डिपेंडिंग ऑन योर फिजिक एंड लाइफस्टाइल, यू नीड टू डू एक्सरसाइज. एक्सरसाइज से ना सिर्फ स्ट्रेस कम होगा, एंडोर्फिन्स, हैप्पी हॉर्मोन जिसे कहते हैं, वो रिलीज होते हैं. ऊपर से जब आपकी फिजिक सही होती है तो यू जस्ट फील बेटर एनीवेज. पहले ही आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, दूसरा आपने एक्सरसाइज करनी है किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी. जिस तरह से अगर आप ऑफिस में बैठे हुए और आपका मूड खराब है, स्ट्रेस हो रहा है, कोई आपका काम नहीं हुआ, या बॉस ने स्ट्रेस दिया है, या मल्टीपल रिलेशनशिप की वजह से जो आपका कहीं ना कोई खटपट चल रही है, तो ब्रीदिंग आप कॉन्शियसली, आपने उस टाइम पे जवाब नहीं देना, रिस्पॉन्ड नहीं करना, बी माइंडफुल ब्रीदिंग उस टाइम पे बड़ी हेल्प करेगी. और कभी कभी काम पे आप बड़े थक जाते हो, जिस तरह आप मॉर्निंग शोज करते हो बैक टू बैक, बीच में जो अलर्टनेस का फैक्टर होता है वो कम होता जाता है. बिल्कुल. तो आप भी ब्रीदिंग अगर करोगे ऐसे इन बिटवीन ब्रेक्स, हर 2 घंटे बाद जो है आपने एक छोटा सा जो है ब्रीदिंग करके अपना पूरी एनर्जी को दोबारा रीअक्यूमुलेट कर लिया. तीसरी चीज है जी माइंड. माइंड जो होता है वो 2 किस्म का होता है, एक कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस. सबकॉन्शियस में जब भी आपको कोई स्ट्रेस हो रहा होता है तो बड़ी गलत नेगेटिव थॉट्स आ रही होती है, और नेगेटिव थॉट आपको पता होता है लेकिन आप उसको कॉन्शियसली सोचते नहीं हो. ऑटोमेटिकली आपके माइंड में पॉप अप कर रही होती है नीचे सरफेस के अंदर. हाँ. जिस तरह सब कॉन्शियस हो, सब का मतलब होता है सबमरीन की तरह, जिस तरह पानी के नीचे जिस चीज होती है छुपी ढकी होती है, उसको आपने कॉन्शियस में लेकर आना है. यू नीड टू ब्रिंग फ्रॉम सबकॉन्शियस टू कॉन्शियस, ताकि आप अपनी सोचों को आइडेंटिफाई कर सको कि मेरे इस टाइम पे कौन सी सोच नेगेटिव चल रही है. एक दफा जब आप चीजों को आइडेंटिफाई करते हो ना, तो उनको बारे में आप सोच सकते हो कि ये नेगेटिव सोच है, तो उसको अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसको रिप्लेस कर सकते हो पॉजिटिव से. लेकिन अगर आप इसको कहते हैं मेटा कॉग्निटिव ऑल्सो, जो साइकोलॉजी के अंदर इसका वर्ड यूज होता है. यू नीड टू थिंक अबाउट योर थिंकिंग, मतलब आप थिंक ऑलवेज कर रहे हो लेकिन यू आर नॉट थिंकिंग कॉन्शियसली. क्या सोच रहे हो, क्या आप सोच कह रहे हो. अब नेगेटिव सोचों का जो भरमार, जो आपका क्योस जहन के अंदर चल रहा है, उनको अब आपने कॉन्शियसली ब्रेन में लेकर आना है, और सोचों को, नेगेटिव सोचों को अब हमने उसको पॉजिटिव कैसे करना है. मिसाल के तौर पे अब पॉजिटिव थिंकिंग कैसे कर सकते हो, थोड़े से उस पर बात करते हैं, उससे स्ट्रेस कम हो जाएगा ना. पॉजिटिविटी की वैसे कमी रहती है हमें, तो पॉजिटिविटी कैसे लेकर आनी है. सबसे पहले जी आ जाता है, जिस तरह आपने जब उसको कॉन्शियसली आइडेंटिफाई किया कि ये नेगेटिव सोच है. जिस तरह से एक दफ़ा मैं कोई थेरेपी कर रही थी, तो मेरे पास कोई बच्चा आया, और वो बच्चा जो है वो हमेशा बुली होता था स्कूल में, उसको तंग करते थे. तो मैंने उसे जब हिस्ट्री ली तो मुझे पता चला, और मैंने उसे कहा कि बेटा जो तुम्हें बार बार जो बुली होता है, अच्छा पूरी हिस्ट्री के बाद मल्टीपल फैक्टर्स थे, कि तुमने कभी गौर किया कि तुम्हारे साथ क्यों होता है.
तो उसने कहा जी वाई मी, बाकियों के साथ क्यों नहीं होता। हालांकि उसका फैमिली सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा था, माँ बाप भी उसको सपोर्ट करते थे, सारी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं बुली हो जाता था, कभी कोच से कभी बाकी स्टूडेंट उसको तंग करते थे, टीज करते थे। तो बेसिकली होता ये जी, जो बंदा बुली देख लेता है कि अवेलेबल कौन है, जो अवेलेबल होता है और जिसको वो इजिली एक्सप्लॉइट कर सकता है, वो बंदा एक्सप्लॉइट हो जाता है। तो मसला ये नहीं होता कि जो बंदा भी वीक होगा, ये नहीं है जिस तरह हमारे सोसाइटी में कहते हैं जी फेमिनिज्म के नाम पे भी कि लड़कियां जो हैं वो जेंडर की वजह से एक्सप्लॉइट होती हैं, या बच्चे देखा जाए तो जो भी बंदा वीक होता है वो एक्सप्लॉइट हो जाता है, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, बच्चों के अगेंस्ट कितना, वो लड़की है लड़का, लड़का कोई भी है। और आप देखें आदमी दूसरे आदमी को भी एक्सप्लॉइट कर देता है अगर उसको लगे कि ये मेरे से वीक है। अगर औरत 6 फुट की हो, बड़ी तगड़ी हो, तो मैं देखूंगी कौन उसको एक्सप्लॉइट करता है। फिजिकली वीक होती है तो जो बंदा वीक होता है वो एक्सप्लॉइट हो जाता है। तो ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि इस तरह से ही जो जब आपका आप कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग, वो उसको बुली को नज़र आ रहा होता है कि ये बंदा अवेलेबल है और इसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इसको कहते हैं जी सेल्फ विक्टिमाइजेशन। जब आप सेल्फ पिटी करते रहते हो, आप अपना बिहेवियर ऐसा बना लेते हो और अपने आप को विक्टिम समझते रहते हो, तो बाकी दुनिया जो है वो ईजिली देख सकती है कि इसको हम कर सकते हैं, एंड वी कैन गेट अवे विद इट। आप काम भी ख़राब वहीं करते हो जहाँ पर आपको नज़र आ रहा होता है कि बुली को आई कैन गेट अवे विद इट। अगर पता हो कि यहाँ से मार पड़ने वाली है तो कोई किसी को नहीं करता। तो ये जो सेल्फ विक्टिमाइजेशन है, जो नेगेटिव सोच है, उसको बदलें, सेल्फ डाउट को बदलें, अपने ऊपर पूरा एतमाद रखें, अपनी सलाहियतों के ऊपर, और नेगेटिव को कॉन्शियसली पॉजिटिव के साथ चेंज करते रहें, सेल्फ टॉक करके। सेल्फ टॉक कैसे, आई कैन डू दैट, मेरे नज़दीक कोई लिमिटेशन नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो जाएगी आपके, मैं ये कर सकता हूँ। जब आप कैन नॉट का वर्ड यूज़ करते हैं तो आप ऑलरेडी अपना एतमाद कम कर लेते हैं। तो यू नीड टू से आई कैन हैंडल इट, आई कैन डू इट। और लोग क्या करते हैं कि फ्यूचर का सोच सोच के एंक्शियस होते रहते हैं, या पास्ट की मेमोरीज को ला के उसके बारे में स्ट्रेसफुल होते रहते हैं। जो 10 साल पहले बात हुई थी, औरतें उसका पीछा नहीं छोड़ती, मेमोरी बड़ी तेज होती है उनकी। हाँ बिल्कुल, वो तो भूलती नहीं है कोई बात। वो बंदे को वो बात बता देंगी जो बेचारा कहेगा यार ये मैंने सबकी बात थी तो मुझे मेरी याद है। तो ये देखें कितनी सिलीनेस है कि जो चीज पास्ट का स्ट्रेस या फ्यूचर की इमेजिनेशन का स्ट्रेस। और डॉक्टर शर्मा सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, हम बहुत सारी जिंदगी में अपनी प्रेजेंट में पास्ट को ही लेकर चल रहे हैं जी। हर बंदा अपने अंदर कहीं ना कहीं पास्ट को या आजकल फ्यूचर को, फ्यूचर को हमें ये नहीं पता कि हमने अगले लम्हे जिंदा रहना है कि नहीं, लेकिन हमारी प्लानिंग और हमारी स्ट्रेस ये है। और वो स्ट्रेस इस किस्म की चीजों का कि हमने किस कॉलेज में जाना है, हमने क्या करना है, और हमारी जिंदगी में मैंने एक उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप अपने गोल सेट कर लेते हो और उस गोल की डायरेक्शन में जा रहे हो। एक आंख बंद करके जो है वो आपने एक आंख रखी हुई है गोल पे और एक आंख से आप जिंदगी गुजार रहे हो। तो जब आपकी पूरी फैकल्टीज टूवर्ड्स योर जो है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं, तो जो प्रेजेंट है उसके अंदर आपकी पूरी एनर्जी नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी चीज़ आप सीख कर रहे हो वो आपको मिल जाएगी अगर उसके अंदर आप 4 चीज़ें लगा दो। प्रोसेस को एंजॉय करो, आपका जो फिजिकल बॉडी है उस वो, आपकी जो इमोशंस हैं वो, जो आपका माइंड है और पूरी जिंदगी की एनर्जी, वो चारों एलिमेंट्स अगर आप जिंदगी में अपने गोल की तरफ लगाओ तो वो आप हासिल कर लोगे। लेकिन गोल के बारे में सोचना नहीं है, जो करंटली आप प्रोसेस कर रहे हो, जो जर्नी है उसको एंजॉय करो और फिर देखो अपनी पूरी डिवोट करके कि वो आपको हासिल हो जाएगा जो जिसके पीछे आप हो। तो फ्यूचर के बारे में स्ट्रेस करके कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा, हमारी आमदनी आगे जाएगी कि नहीं, ये सारी चीज़ें लेके फजूल का स्ट्रेस, तो आपने अपनी नेगेटिव जो है, और सेल्फ केयर बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें एक्सरसाइज आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको हेल्प करेंगी ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्ट्रेस मैनेजमेंट में। Changing your negative thoughts with positive takes time, it takes practice, लेकिन वो रोज आपको करना पड़ेगा। और वैसे देखा जाए तो जिस तरह लोग एंग्जाइटी, एक और टेक्निक होती है मैं बताऊँ, एंग्जाइटी जो होती है वो ये होता है कि आपको जिस तरह पल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है, दिल तेज तेज धड़कता है, आपको कोई ऐसी स्टार्ट किसी भी और बगैर किसी वजह की, बगैर किसी वजह की। एक तो होती है ना मेडिकल, हम मेडिकल बातों की तरफ नहीं जा रहे, हम अपने वो एक जो रोजमर्रा मेरा मुझे बहुत सैडनेस है, मुझे बहुत मैं डाउन हो गई हूँ सुबह सुबह, सब डाउन रहते हैं, ऐसा होता है सुबह सुबह बात है, आपका एनर्जी है सब पे किसी ने ड्रेन कर ली और आप बैठे हुए हैं, तो उसके लिए क्या। अच्छा कुछ लोग ऐसे फजूल में, मेडिकल वालों को तो साइकाइट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा ना, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट कि ये मेडिकल प्रॉब्लम है। हम बात करें एंग्जाइटी थोड़ी बहुत ही जो हो गई आपकी लाइफ में, कभी कभी ये होता है कि उन नेगेटिव थॉट्स को आप दिन में 24 घंटे में 5 मिनट असाइन कर लें। आप एक कमरे में जाके जिस तरह मेडिटेट करते हो ना, आप उसको, ये स्ट्रेटजी होती है, इसको टूल कहते हैं, ये मैंने जो लाइफ कोचिंग जो है वहाँ पे मैं देती हूँ लोगों को। कुछ लोग इसे अग्री नहीं कहते, वो कहते नहीं हम नेगेटिव सोचना नहीं चाहते, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि आपने
सिर्फ ये प्रैक्टिस करनी है कि 5 मिनट दिन के जो भी दिन का आप रख लें टाइम, सुबह या शाम, उस सुबह रखोगे तो उससे ये फायदा होगा कि सुबह आपने उठ के आपने कॉन्शियसली 5 मिनट वो नेगेटिव सोच लिया, जो आपके जहन में गलत ख्यालात, जो आपके जहन में ऐसी बातें आती हैं जो आपको लगता है डिस्टर्बिंग है, जो अपनी कोई पास्ट गर्लफ्रेंड के बारे में, लोगों के जो ब्रेकअप हो जाते हैं और दे ड्वेल इन इट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, या अगर आपको अपनी सास या कोई अपनी बीवी के बारे में कोई गलत, या बच्चों के स्ट्रेस होते हैं, वो आपने सारी सोचें जबरदस्ती नहीं भी आ रही तो सोचनी है, असाइन करनी है उस 5 मिनट में, ठीक है, उस 5 मिनट के बाद। लेकिन ये नहीं जिसको डिप्रेशन हो, ये ना हो कि वो डिप्रेशन में चला जाए। हाँ, अच्छा डॉक्टर शर्मा, अभी आप ये करें, मैंने फिर आपसे डिप्रेशन और स्ट्रेस दोनों में डिफरेंस भी पूछा है। वो मतलब ये ना हो कि कोई बंदा जो डिप्रेशन को प्रोन है वो ये एक्सरसाइज करे और वो डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर ले, के डॉक्टर मुफ्ती ने कहा था। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी लाइक केयरफुल के जो मैं टेक्निक, मेरे ख्याल से ज्यादा आप काउंसलिंग के साथ ही, काउंसलिंग के साथ। तो ये है कि वो आप 5 मिनट असाइन करके उन सोचों को सोच लें, और उसके बाद बाकी 24 आवर्स में यू डू नॉट हैव टू एंटरटेन दोज नेगेटिव थॉट्स। अगर वो आए झटक देनी है, यू नीड टू टॉक टू योर थॉट कि मैंने तुम्हें सुबह एंटरटेन कर लिया था 5 मिनट, अब मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, अब कल 24 आवर सुबह 7 बजे दोबारा अपॉइंटमेंट है, वो टॉक अबाउट इट। यू नीड टू टॉक टू देम कि अब मेरे पास टाइम नहीं, ताकि बाकी जो कुछ लोग होते हैं ना अपनी सोचों में गिरफ्त में, उसमें ये उन लोगों के लिए स्ट्रेटजी होती है, हर एक के लिए नहीं, उन लोग खास लोगों के लिए जिनके अंदर डिप्रेशन का जरा कम एलिमेंट होता है, ताकि वो सोचो में कि नेगेटिविटी में बहते बहते ज्यादा ना दूर ना चले जाएं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। अच्छा डॉक्टर शर्मा, कुछ लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं कि हमें डिप्रेशन हो गया है, हमें डिप्रेशन हो गया, हालांकि बेसिकली दैट स्ट्रेस, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस और वो भी बता दें कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको डिप्रेशन है या स्ट्रेस। डिप्रेशन जो है ना वो भी एक, लोग जिस तरह रोजमर्रा की जिंदगी में कह देते हैं मुझे डिप्रेशन हो गया, मूड खराब है, डिप्रेशन हो गया, एक होती है मेडिकल टर्मिनोलॉजी जिसे पोस्टमार्टम कुछ लोगों को, औरतों को बच्चों के बाद हो जाता है पैदाइश के बाद, या कुछ क्रॉनिक, हाँ कुछ पोस्ट ट्रोमेटिक जो हो सकता है, या कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिप्रेशन जो वाकई मेडिसिन के बगैर ठीक नहीं होते। वैसे देखा जाए तो हमारी अल्लाह मियाँ की जो क्रिएशन हमारी बॉडी है, वो जो सबसे बेस्ट केमिकल फैक्ट्री हमारी बॉडी है, और हमारे अंदर जो केमिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आप खुद ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपका एक माइंड सेट है जो अल्लाह मियाँ ने आपको केमिकल्स आपकी केमिकल फैक्ट्री के अंदर दे दिए, अगर आप उनको कंट्रोल कर सकें तो यू डोंट नीड एनी प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन यस, डिप्रेशन आजकल जो है वो स्ट्रेस की वजह से, वेल्थ और इकॉनमी की वजह से, और कंपैरिजंस और अनमेट डिजायर्स की वजह से जो लोगों ने स्ट्रेस ले लिया, एंग्जाइटी ले ली, और फिर बढ़ते बढ़ते वो डिप्रेशन बन जाता है। डिप्रेशन जो है अगर आप मेडिकल की तरफ चले जाओ तो आपका मूड जो होता है बहुत डाउन रहता है, आपको दुनिया की जो रेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, दोस्तों में इंटरेस्ट नहीं रहता, सोशल लाइफ में नहीं रहता। उसके बाद ये होता है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है खा खा के, या बिल्कुल आप खाना पीना बंद कर देते हो, या बहुत ज़्यादा सोना शुरू कर देते हो, या बिल्कुल सोना बंद कर देते हो, तो कोई भी एक्सट्रीम हो सकती है। देयर आर वेरियस सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, वो तो मेडिकल डिप्रेशन है। अगर सिर्फ लेमैन लैंग्वेज में लो, जिस तरह औरतें कहती हैं आजकल बहुत डिप्रेशन हुआ, वो तो आपका लो मूड है जिसमें आपने अपनी इनर इंजीनियरिंग को, अपने इनसाइड को खुद कंट्रोल करना है। वो वाला जो होता है वो कोई डिप्रेशन नहीं है, इट्स जस्ट दैट आप अपने आप को इनसाइड कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप अपने ही इमोशंस को आपने बाहर की जिंदगी से इतना रिलेट किया हुआ है कि हर आने जाने वाला बंदा आपको अफेक्ट कर सकता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप इस सोफे पे बैठे हो तो आप कह रहे हो कि मैं इस सोफे पे बैठा हुआ, या मैंने आज ये ज्वेलरी खरीदी है तो मुझे ये चीज़ हैप्पी करेगी। हमने एक्सटर्नल चीज़ों के साथ अपनी इनर हैप्पीनेस को रिलेट किया हुआ है, हालांकि वो चीज़ें, ये सोफ़ा आपको कंफर्ट दे रहा है, कोई अच्छी गाड़ी खरीदी है तो वो कंफर्ट है, वो आपको हैप्पीनेस नहीं दे रहा, क्योंकि साथ वाले ने कोई और गाड़ी खरीद ली तो आपकी हैप्पीनेस फिर नीचे चली जाएगी। सो दैट थिंग इज नॉट गिविंग यू द हैप्पीनेस, दैट फीलिंग कि मेरे पास ये चीज़ है वो आपको कंफर्ट देती है। लेकिन बचपन से आप अपने बच्चों को कहते हैं तुम्हें कैंडी मिलेगी तुम खुश हो जाओगे, बच्चा समझता है कि कैंडी और हैप्पीनेस आपस में एसोसिएटेड है, आप उनकी कंडीशनिंग कर देते हो। बच्चे को ये शुरू से आपने एग्जाम्पल देनी है कि हैप्पीनेस इज़ फ्रॉम इनसाइड, इज़ एन एटीट्यूड। आपने अंदर का पीस जो है और अंदर का जो अमन और अंदर की जो आपकी जो जॉय या पीसफुलनेस, वो उसको डिस्टर्ब नहीं होने देना। लोग आते हैं आपकी लाइफ में, नेगेटिव होते हैं, कोई ना कोई सड़ी हुई बात करके चले जाते हैं, पूरा दिन उसके बारे में सोचने में। आपका रिमोट कंट्रोल अंदर का आपके हाथ में होना चाहिए, बाहर के लोग आपको अफेक्ट ना करें। हाँ, लोग कहेंगे कैसे पॉसिबल, नहीं है जी ये तो नेचुरल है। नेचुरल है, लेकिन ये कॉन्शियस एफर्ट है। कंपल्सिवली लाइफ नहीं गुजारनी हमने कि कोई भी बाहर वाला आके जो है आपको अफेक्ट करके चला गया।
आपका अंदर का गम, आपके अंदर की स्टेबिलिटी, खुशी, सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में है, और वो आपने कॉन्शियसली अपने आप को ऐसे, जो हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, ये जो माइंडफुल है कि आप प्रेजेंट में रहो, ये सारी चीज़ें यहीं सिखाती हैं कि आपके अंदर का कोर स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी चीज़ों से उसको आपने रिलेट नहीं करना। बाकी चीज़ें जो हैं वो आप ये सोचेंगे कि ये इमोशंस हैं, इनको हम इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, ये नेगेटिव बंदा मेरी ज़िंदगी में आया, कॉन्शियस एफर्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस पे मैं बहुत बात करती हूँ, उसको समझते हुए कि मेरा रिस्पॉन्ड क्या होना चाहिए, लेकिन अंदर का पीस, अंदर का अमन मैंने स्टेबल रखा है। अच्छा डॉक्टर शमानम, आज के टॉपिक के हवाले से कोई मैसेज आप हमारे देखने वालों को देना चाहें? वैसे तो बहुत डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन हम वाइंड अप करने के लिए कोई मैसेज? मैं हमेशा ये कहती हूँ जी, लोग कहते हैं कि डेस्टिनी डेस्टिनी ये जो है सारा, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ज़िंदगी आपने खुद क्राफ्ट करनी है, हमारे क्रिएटर ने हमें बना दिया और हमें पावर दे दी। अब अगर जिस तरह से कोच होता है ना, कोई आप कह लो सॉकर कोच, फुटबॉल का, फुटबॉल वाले कोच ने आपको सिखा दिया सारा कुछ कि फील्ड में ऐसे आके खेलना है, अब आप जो है वहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हो, गोल के सामने आए, बहुत सारे लोग गोल के सामने आके जब किक मार के बॉल को अंदर गोल करना है, तो अगर आप गोल करने की बजाय आप अपने कोच की तरफ देखना शुरू कर दोगे तो गोल तो नहीं होगा। तो इस तरह ही आपके क्रिएटर ने आपको बना दिया है कि आपने ज़िंदगी में आपने प्रैक्टिस कर ली, सीख ली, ट्रेनिंग कर ली, गोल अब आपने करना है। आप अपने क्रिएटर से नहीं कह सकते कि आके गोल करो, सो यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन थॉट्स। आपने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह अपनी डेस्टिनी हासिल करनी है, जिस तरह जिस चीज़ को आपने हासिल करना है डेस्टिनी को, अगर आप अपनी फिजिकल बॉडी की एनर्जी उधर लगाओगे 20-30% आपको डेस्टिनी मिलेगी, अगर आप अपने माइंड को और फिजिकल बॉडी को उधर लगाओगे तो 40-50% डेस्टिनी मिलेगी, अगर आप अपनी ज़िंदगी के फिजिकल बॉडी को, माइंड को और इमोशंस को, पूरी एनर्जी को उधर लगा दोगे तो 100% डेस्टिनी आप खुद बना सकते हो। लवली लवली, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शमाना, बहुत शुक्रिया इतनी जबरदस्त टिप्स देने के लिए। जनाब आज हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट पर बात की और डॉक्टर शमाना ने आपको ढेर सारी टिप्स दे दी हैं कि किस तरह से आप अपना स्ट्रेस जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और आज कश्मीर डे के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। आप देखते रहिए जागो लाहौर।